प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, एक बंदे का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन, जैसे हम लोग पढ़े थे, याद होगा क्या 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 पढ़े थे? जैसे मान लिया हमारे पास ऐसा कुछ पढ़े थे, एक वेक्टर है हमारा, ओके, ये एक हमारा वेक्टर, यहां ध्यान दो, ये इसके साथ थीटा लगा हुआ है, आराम से समझोगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब इस वेक्टर को एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे निकालते थे प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं इसको? यदि मान लो यहां से हमने टॉर्च जला दिया, टॉर्च कैसे जलता है, चलो ऐसे जलता हो, जैसे टॉर्च जलाएंगे तो इसके ऊपर कितना दिखेगा, इतना बड़ा एरिया दिखेगा, इसका प्रोजेक्शन यही होगा ना? नहीं होगा। अभी मान लो ये हमारा पेन है, इसका प्रोजेक्शन की बात करें तो अभी हम ऐसे रखे तो ये पूरा लेंथ इसका प्रोजेक्शन है, लेकिन जो ही हम इसको ऐसा करेंगे तो इसका क्या होगा, लेंथ कम होगा, होगा या नहीं होगा? इसके प्रोजेक्शन में वर्टिकली ऐसे जाते हैं तो इसका लेंथ कम यहाँ पे दिखाएगा, और सीधा करेंगे तो और कम हो जाएगा, और ऐसे कर देंगे सीधे तो पॉइंट हो जाएगा। हमारे पास वेक्टर है, ये हमारा क्या है, एक वेक्टर है, इसका हम प्रोजेक्शन की बात करें किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या होगा, यही लेंथ होगा। ये लेंथ कितना होगा, कितना होगा, यदि ये हमारा वेक्टर ए है, इसका लेंथ कितना होगा, ए कॉस थीटा, इतना पता है, बात खत्म, और कुछ पता ही नहीं करना है, इतना यदि पता है तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जैसे ये हमारा क्या है, एक वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर बताना है, बी के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यहाँ क्या किए थे, ये हमारा वेक्टर था, इसका एक्स के ऊपर बताया प्रोजेक्शन, तो क्या लिखे, ए कॉस थीटा, उसी तरह किसके साथ एंगल दिए हुए, बी के साथ दिए हुए, तुम क्या लिखेंगे, सिंपल सा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यदि निकाल लिए पूरी कहानी खत्म। कुछ समझ में आया, प्रोजेक्शन का मतलब सिंपल सा ए कॉस थीटा निकालना है। अब देखो, अब लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन दी डायरेक्शन ऑफ बी, अभी जस्ट समझाए क्या था, ए कॉस थीटा, यही था ना, ए कॉस थीटा हमको वैल्यू निकालना, हम वो क्या जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई बी लिख सकते हैं आराम से। ए का मतलब क्या, ये हमारा जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, बी का वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड, यदि ए लिखा हुआ रहेगा सिंपल से इसका मतलब क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर लिखा हुआ तो मतलब वेक्टर को वेक्टर लेंगे। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई बी, या इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्यों मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी क्या देता है हमको, स्केलर प्रोडक्ट होता है, पढ़े थे, तो इन दोनों का स्केलर का मतलब क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड ही होगा ना सिर्फ, ये भी बी भी हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा पूरा रिजल्ट क्या देगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को। अब इसको हमको डायरेक्शन देना है, मतलब बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, तो बी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। यदि ये बहादुर हमारा ऐसा है, इसको हम इस साइड प्रोजेक्ट किए इसके ऊपर, इसके पास तो इस वेक्टर के पास एक डायरेक्शन भी तो होगा, किसके तरफ, बी की तरफ। इसको यदि हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, मान लो सी मान लिया वेक्टर के फॉर्म में, इसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा ना, वेक्टर बी है इस साइड, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा यूनिट वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो हम क्या कर दिए, सिंपल सा इन वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस में पड़ेगा, इसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या जानते हैं, बी बाई मॉड ऑफ बी, पढ़े थे, अब नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी ऊपर था, बी का बी रहने दिए, सिंपल सा मॉड ऑफ बी को बी लिख सकते हैं, तो ए डॉट बी बाई बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी, आया समझ में, एकदम आसान सा चीज था, अभी तक जितना पढ़े सबको यूज कर डाले। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, अब जहां पे ए था वहां पे बी रख दिया, अब इसका हमको किसके ऊपर प्रोजेक्शन देखना है, बी वाले बहादुर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर देखना है, ए के ऊपर, तो हम क्या किए, सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, इससे पहले क्या हुआ था, ए कॉस थीटा, वापस से मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी बाई, पहले वाले में क्या था b, इस वाले में क्या हो जाएगा a, पहले वाले में क्या था वेक्टर फॉर्म में किससे मल्टीप्लाई किए थे, यूनिट वेक्टर b से, इस बार किससे, किसके डायरेक्शन में है, a के डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी कहानी ऐसी होगी,
पिछले केस में क्या था, यहां पे क्या होता था बी स्क्वायर, यहां क्या होगा ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन किसी के भी टर्म में पूछे, इसके उसके उसके इसके किसी में भी हम लोग बना सकते हैं। सेम प्रोसेस, सारी कहानी सेम। हमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम लोग क्या अभी तक जो पढ़े उतने ही का यूज करते हैं, एफ डॉट, अब हम कर ले एफ डॉट डी इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, एफ डी कॉस थीटा। क्या है कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी बाई एफ डी। एफ डॉट डी का मतलब क्या, एफ को रखो, एफ कितना है 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट, डी को रखना है 5i प्लस 4j प्लस 3k डिवाइडेड बाई एफ का मतलब क्या, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 15 प्लस 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा सॉल्व करके 9 प्लस 16 प्लस 25 और ये कितना होगा 25 प्लस 16 प्लस 9 ये हो गया हमारा 16 डिवाइडेड बाई रूट 50 इंटू रूट 50 तो ये हो गया 16/50। ये किसकी वैल्यू आई, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 16/50। ये करने में कौन सा पहाड़ तोड़ना था, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, यही होगा ना प्रोजेक्शन, ये हमारा डी। ये हमको पता है ना एफ का किस पे, चलो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी मतलब ये हमारा एफ कॉस थीटा। यदि हम इसकी वैल्यू निकाल लिए कहानी खत्म। दूसरा हमको वेक्टर फॉर्म में आंसर किस में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना। इसको क्या करेंगे, एफ कॉस थीटा यूनिट फैक्टर कौन सा, डी का यूनिट फैक्टर, क्योंकि डी के डायरेक्शन में हमको देना है। अब निकालते जाओ एफ कॉस थीटा क्या होगा, वेक्टर डॉट वेक्टर डी डिवाइडेड बाई, ऐसा लिख सकते हैं एफ डॉट डी कितना, एफ डॉट डी कितना 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 60, अच्छा 16 और डी का 50 था बस, डी का तो एफ डॉट डी था उस समय या एफ डी था, तो 16/50। अब इसको किसके टर्म में बताना है, किसके टर्म, तो यहाँ पे हमको सेकंड निकालना है एफ कॉस थीटा इंटू यूनिट फैक्टर कौन सा डी। यूनिट फैक्टर ये हो गया 16/50 और यूनिट फैक्टर डी कैसे निकालेंगे, वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर डी, यही होगा ना 16/50 इंटू डी कितना है हमारा डी 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 5i प्लस 4j प्लस 3k डिवाइडेड बाय डी का मॉड कितना, ये कितना हो गया हमारा 16/50 5i प्लस 4j प्लस 3k होगा इतना। अब 16/50 को कितना लिखा जा सकता है 0.32 5i प्लस 4j प्लस 3k।
अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अभी तक क्या पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में देख लो ये थ्री डायमेंशन दिख रहा है, ये बहादुर जो रेड वाला है अपना डायरेक्शन जो ही, चलो ग्रीन और रेड क्या है, एक ही प्लेन के ऊपर है, जबकि जो ब्लू वाला है वो कौन सा है, दूसरे प्लेन में है। कह सकते हैं कि एक हमारा वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, दोनों किस में, एक प्लेन पे है। और तीसरा जो वेक्टर इन तीनों का रिजल्टेंट बन रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट है हेवी, ये क्या है, इस अलग प्लेन पे है, मतलब इन दोनों के क्या परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर, या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या चीज, दोनों का जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, वो हमेशा एक वेक्टर देगा। क्यों, क्योंकि हमेशा देखो तीसरा जो आ रहा है ब्लू वाला, वो क्या है, अपना डायरेक्शन दिखा रहा है, कभी नीचे दिखा रहा है, कभी ऊपर दिखा रहा है, कब किस समय कहां दिखाएगा वो देखेंगे कैसे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ध्यान में रखना है, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट फैक्टर एन। यूनिट फैक्टर एन दिखाने का मतलब क्या है, कि इसका जब भी प्रोडक्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, फैक्टर देगा। तो फैक्टर के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। ये पूरा बहादुर हमको क्या दिया, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हमको देगा, डायरेक्शन। तब तो ये वेक्टर प्रोडक्ट बना, इसका सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब कि ये जब भी देगा क्या देगा, वेक्टर ही देगा अपना आउटपुट में। इससे पहले क्या पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वो क्या अपना आउटपुट देता था, स्केलर, इसलिए उसका स्केलर भी नाम था। तो कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स प्रोड्यूसेस ए थर्ड फैक्टर, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तीसरा फैक्टर प्रोड्यूस करता है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इन विच द फर्स्ट टू फैक्टर लाइज। पहला जो फैक्टर था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब पहले वाले के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब हमारे दो फैक्टर है ए और बी, दो फैक्टर है, तो इसके भी वो परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। ये दोनों किस में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, मतलब ए बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। एंड साइन ऑफ द किसके, एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इस दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा, उस दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा। इसको सीधा सीधी याद रखने के लिए इतना ही है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर क्यों, क्योंकि उसको डायरेक्शन चाहिए। आया कुछ समझ में। अब यहां बात की जाए, जैसे हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना थीटा। अब हमको एक केस दिख रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और दूसरा केस हो सकता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, हो सकता है वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे कभी राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। ये किसका डायरेक्शन है, बी क्रॉस ए का, ये किसका डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन किसकी तरफ, नीचे की तरफ। तो दोनों का डायरेक्शन अलग, तो मतलब एक जा रहा है पूरब, एक जा रहा है पश्चिम, तो दोनों एक कैसे हो गए। अभी तुमको बोलते हैं पढ़ने के लिए, इसको भी बोलते हैं पढ़ने के लिए, एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, खाली हल्ला कर रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, खूब जोर लगा के पढ़ रहा है। एक जा रहा है इधर, हल्ला करना और पढ़ना अलग चीज होता है, ठीक है। एक जा रहा है पढ़ पढ़ के चुपचाप साइलेंट मोड में पढ़ाई कर रहा है, सीरियसली नहीं लेना है। तो हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कितना, ऊपर की तरफ, जबकि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे, कैसे होगा आगे देखेंगे। तो सिंपल सा हमको क्या करना है, वेक्टर, इस पूरे डायग्राम को मिटा लेते हैं, सिर्फ डायग्राम बनाना है हमारा। ये हमारा वेक्टर कौन सा, ए, ये हमारा वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो किस तरफ होगा, या तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, या इसके इनटू द प्लेन होगा, हो सकता है ना ऐसे करके पीछे से उस पार निकले चाहे इस पार निकले, वो डिपेंड करता है। जैसे ए क्रॉस बी हम बात करें, तो ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी, राइट हैंड थंब रूल जानते हैं, ऐसे पकड़े रखे, इसका कैसा डायरेक्शन होगा, अवे फ्रॉम द प्लेन, जबकि बी क्रॉस ए की बात करते तो इन टू दी प्लेन, तो इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो याद कुछ नहीं रखना है इसमें, याद क्या रखना है, सिर्फ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट फैक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के दो तरीके हैं, पहला हमारा क्या है,
राइट हैंड स्क्रू रूल और दूसरा हमारा क्या है राइट हैंड थम रूल। अब स्क्रू भी दो टाइप का होता है, एक लेफ्ट हैंड स्क्रू एक राइट हैंड स्क्रू। सुने हो कभी लेफ्ट हैंड स्क्रू का नाम? बहुत बढ़िया, देखो इसके अंदर भी स्क्रू लगा हुआ है क्योंकि ये क्या होता है टाइट होता है। अब इसको खोलना है, ऐसे खोल रहे हैं, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना स्क्रू, ऐसे टाइट किए तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे खोल रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहा है। ये हमारा राइट हैंड स्क्रू है, राइट हैंड स्क्रू रूल। दूसरा हमारा क्या है राइट हैंड थंब रूल, मतलब पहले वाले फैक्टर से दूसरे वाले फैक्टर की तरफ यदि हम फिंगर को, यहाँ ध्यान दो, पहले वाले फैक्टर से दूसरे वाले फैक्टर की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा किसको बताएगा? थंब का डायरेक्शन उस दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट बताएगा। जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है ए और ये हमारा वेक्टर है कौन सा, वेक्टर बी। अब ए से बी का हमको निकालना किसका प्रोडक्ट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ किसको कर्ल करना है, फिंगर को वेक्टर ए पे रखे बी की तरफ कर्ल किए, ऐसा ही पॉसिबल? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ए से बी की तरफ ऐसे घुमा के लाओगे नहीं लाओगे, तो ये कैसे ऐसे जाएगा, तो मतलब थंब का डायरेक्शन क्या बताएगा, इस दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट। अब यदि हम जाते हैं बी क्रॉस ए की तरफ, बी क्रॉस ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ कैसे जाएंगे, ऐसे फिंगर ऐसे ही कर लोगा ना, ऐसे थोड़ा ना तोड़ के पहुंचाना है, तो इसका थंब का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ, इसका डायरेक्शन क्या अंदर, और जबकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा बाहर की तरफ। तो मान लीजिए ये हमारा वेक्टर सी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर सी, एक बाहर आ रहा था प्लस, तो अंदर जो जा रहा है वो क्या होगा माइनस। उसी तरीके से स्क्रू पकड़े, स्क्रू को हम कैसे लेके जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ लेके जाएंगे तो स्क्रू किधर जाएगा, बाहर आएगा। ऐसे खोलते हैं ना किसी को, तो खोलते तो ये कैसे आता है बाहर की तरफ आता है, तो ये बाहर की तरफ आया क्या बताया, इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का, वही बी से ए की तरफ जाए तो कैसे करेंगे, ऐसे घुमाना पड़ेगा, जिससे वो क्या होगा अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो अंदर की तरफ जा रहा है तो बी क्रॉस ए हमारा क्या हो जाएगा अपोजिट वेक्टर, जबकि ए क्रॉस बी क्या होगा बाहर, बी क्रॉस ए अंदर, तो हम कह सकते हैं इज नॉट, ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। आया कुछ समझ में, रोटेट द राइट हैंडेड स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट फैक्टर ए टुवर्ड किसके तरफ, फैक्टर बी की तरफ, द डायरेक्शन इन विच स्क्रू मूव्स, जिस डायरेक्शन वाला स्क्रू मूव कर रहा होगा वो डायरेक्शन वाला किसका बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फैक्टर ए क्रॉस बी का। तो कह सकते हैं ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, मान लो फैक्टर सी, इसका डायरेक्शन कैसे तरफ, जहां भी हो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस सी की तरफ, कह सकते हैं ना। यदि इसको हम बोल दिए फैक्टर सी, ये क्या हो जाएगा माइनस फैक्टर सी, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर फैक्टर ए क्रॉस फैक्टर बी इज नॉट इक्वल टू फैक्टर बी क्रॉस फैक्टर ए। दूसरा रूल हमारा कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, पहले वाले फैक्टर से सिंगल को कर्ल करेंगे किसके तरफ, दूसरे वाले फैक्टर की तरफ, मतलब ये हमारा ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के ऊपर हम फिंगर को रखे, कर्ल पीछे तो हो नहीं सकता, ये कर ऐसा होगा ऐसा होगा, इस तरफ करेंगे तो हमारा क्या होगा वेक्टर का डायरेक्शन हमको बता देगा थंब हमारा। जैसे ये हमारा एक प्लेन में एक वेक्टर रखा हुआ है, दो वेक्टर, ये हमारा क्या है वेक्टर ए और ये हमारा कौन सा है वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब हम चाहते हैं ए क्रॉस बी निकालना, तुम बताओ ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे तो कितना कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा, इनटू द प्लेन या वे फ्रॉम द प्लेन, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट होगा वो इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर। इनटू मतलब प्लेन के अंदर चला जाए, मतलब ये जो हमारा प्लेन है एक डायरेक्शन इसका क्या होगा, एक इधर एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो हमारा ए क्रॉस बी करना, थंब का डायरेक्शन किधर, इनटू द प्लेन, इसको इनटू द प्लेन कहेंगे। यदि बी क्रॉस ए करेंगे तो बाहर की तरफ, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यदि हम बोले, यदि हमारा सी होता है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन माइनस सी। डायरेक्शन अच्छे समझ लो, बहुत यूज होने वाला है वेक्टर का। तो कह सकते हैं सिंपल सा क्या, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम कहां से, फर्स्ट फैक्टर से
सेकेंड फैक्टर जैसे फैक्टर ए टुवर्ड फैक्टर बी, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब पॉइंट्स इज डायरेक्शन ऑफ किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन बताएगा, हमारा थंब का डायरेक्शन।